जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का क्या महत्व है, उसके बाद भी आपके पास सूक्ष्म दशा और प्राण दशा है। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमारा समय, जन्म का समय बहुत ही एक्यूरेट हो, अन्यथा एकदम सही हो तभी। कारण महादशा जो है एक बड़े स्तर पे काम करता है, वह राजा है। महादशा राजा है, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा, तो अंतरदशा जो है वो मंत्री है। तो राजा और मंत्री में अगर आपस में सामंजस्य है, अगर आपस में सामंजस्य, तभी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। महादशा एक पर्टिकुलर बड़े स्तर पे है, जैसे कोई सूर्य है 6 वर्ष के लिए है, चंद्रमा 10 वर्ष के लिए है, तो अब ये जैसे शुक्र है 20 वर्ष के लिए है। अब इनका इतना लंबा, तो क्या आपको लगातार 20 वर्ष तक अच्छे फल देंगे या लगातार 20 वर्ष तक आपको खराब फल देंगे? ऐसा कुछ नहीं। अब इनमें हम देखते हैं कि किसकी अंतरदशा चल रही है। तो जिसकी अंतरदशा आए वह या तो महीने में होगा या तो वर्ष में होगा। अगर बड़े महादशा और अंतरदशा की बात है तो वर्ष में होगा। अगर छोटे हैं, जैसे सूर्य मंगल का है या केतु का है, तो ये महीने में भी आ सकते हैं। तो इनकी जो अंतरदशा है वह हमें ये प्रदर्शित करता है कि हमारा समय कैसा चल रहा है, यानी कि हमारे राजा के अंतर, हमारा मंत्री कैसा है। अगर मंत्री राजा में आपस में सामंजस्य हो तो हमें फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमें फल नहीं मिलेगा। अब अंतर आता है प्रत्यंतर दशा का। प्रत्यंतर दशा अंतरदशा का और सूक्ष्म भाग है। तो ऐसा मान के चलिए कि महादशा है, महादशा में 9 ग्रहों का अंतरदशा आएगा और एक अंतरदशा में 9 ग्रहों के प्रत्यंतर दशा आएंगे, तो और भी सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमें फलों की प्राप्ति के लिए हम 3 लेवल पर देखते हैं कि महादशा में क्या कार्य है, माने क्या क्या किसके किसको भाव को वह ताकत दे रहे हैं, अंतरदशा में किस किस भाव का यह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रत्यंतर दशा में किस भाव को यह सपोर्ट कर रहे हैं, माने बल दे रहे हैं। तो अब हमें पता चलता है कि हम इन तीनों को टैली करते हैं, फिर हम आपको उत्तर देते हैं कि यह आपको अच्छे फल देगा या नहीं देगा, या यह समय आपका खराब है। अगर अभी आपने किसी को बताया कि भाई आपका तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है, इतने साल तो बहुत समय खराब रहेगा, तो बेचारा डर जाएगा। इसलिए आप उसको डराने की अपेक्षा उसकी प्रत्यंतर दशा को देखिए। प्रत्यंतर दशा कुछ महीने का होगा या कुछ वर्ष का होगा, फिर उसके बाद और भी सूक्ष्म देखने की चेष्टा करिए। अगर समय, उसका जन्म समय बहुत सही है तब, नहीं है तो उसको क्या उपाय बताइए कि इतने समय तक आप अपने को स्थिर चित्त रखो और ये उपाय करो, इतने के बाद समय ठीक आएगा धीरे धीरे। कारण जैसे सभी को मालूम है कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा अच्छी नहीं जाएगी, जबकि गुरु ने शुक्र को छूट दे रखा है कि आप कोई भी कार्य करो, मैं कुछ नहीं रोकूंगा। परंतु जब शुक्र की महादशा आए और गुरु की प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आती है, तो शुक्र गुरु को कोई भी कार्य करने के लिए नहीं छूट देता, जबकि वो टाइम बहुत लंबा होता है। नतीजा यह निकलता है कि जब तक शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा हो या शुक्र की अंतरदशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा हो, तो वह पीरियड व्यक्ति के किसी भी कार्यों को संपन्न नहीं होने देते। हर कार्यों में वो टांग अड़ा देते हैं और होते होते सब रुक जाता है। इस प्रकार से हम प्रत्यंतर दशा को छोटे स्तर पे देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा की महादशा चल रही है या चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, उसमें राहु आ जाए या केतु आ जाए तो हमें क्या फल देंगे, तो ये हम उसको छोटे स्तर पे देख करके व्यक्ति को बरगलाने की अपेक्षा, भड़काने की अपेक्षा, दुखी बनाने की अपेक्षा, उसे हम उपाय के द्वारा कम करने की चेष्टा करें या उसे मानसिक रूप से ताकत दें। यह जरूर बताएं
कि आप में ये परिवर्तन आने वाला है, आप इसको इस ढंग से लें। देखिए, हम किसी भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा, पहला कार्य है कि महादशा का संबंध अगर मित्रता है उसकी राशि से या उसके लग्न राशि से, तब तो समझ लो अच्छा है। अगर उसकी मित्रता नहीं, शत्रुता है, तो निश्चित है उस जातक के विपरीत फल देगा वह। परंतु अब पूरा विपरीत देगा तो ऐसे कैसे होगा? यह है कि उसका प्रभाव पड़ता रहेगा हमारे जीवन पर। हमें सबका एक लेवल बनाना है देखते वक्त कि कितने परसेंटेज काम करते हैं, तब हमें इनका सही उत्तर देने में आनंद आएगा। इसलिए कभी भी आप ध्यान दें कि महादशा देख करके आप किसी को राजयोग तुरंत न बता दें या दृढ़योग न बता दें। आप महादशा के साथ अंतरदशा का अवलोकन करें और अंतरदशा के साथ प्रत्यंतरदशा को भी देखें कि किस किस भाव को वह ताकत दे रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को जो कार्य सिद्ध होना है या नहीं सिद्ध होना है, वह प्रत्यंतरदशा के द्वारा उसे जानकारी प्राप्त होती है। अन्यथा अगर एक बार सफल हुआ तो लगातार वो सफल होता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे सुबह व्यक्ति उठता है, वह कहता है बड़े खुश हैं, दो चार घंटे के बाद पता लगता है मैं दुखी हूँ, फिर उसके बाद लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ, आनंद से हूँ। तो यह कैसे होता है और क्यों होता है? तो हमने मित्रों इसके लिए अपनी कुंडली ऐप में हमने एक ऐप डाला हुआ है पंच पक्षी करके। आप पंच पक्षी का उसमें अवलोकन करें और ये देख सकते हैं कि 24 घंटे में मात्र केवल दो बार, एक बार दिन में एक बार रात को, आपका समय आपके अनुकूल आता है। उसका समय भी उसमें डाला गया है, वो प्रतिदिन चेंज भी होता है। आप मीटिंग भी कर सकते हैं उसमें, उसको देख सकते हैं और उसका अगर अवलोकन करें तो आपको सही मार्ग पे चलने में सहायता मिलेगी। जहाँ पे दिक्कतें हैं उनके लिए हम और भी अच्छा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कष्ट ना हो। परंतु अगर अनुकूलता नहीं है तो आपका ये पंचपक्षी भी कार्य नहीं करेगा। कभी कभी व्यक्ति को कोई कार्य जो महीनों का होता है उसे एक दिन में संपन्न कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसे समय पर समय का चुनाव करता है, समय उसके अनुकूल है। उसके अनुकूलता का क्या मतलब कि उसका पंचपक्षी भी उसके अनुकूल है, वह जिस मुहूर्त में काम करना चाहता है उसका प्रत्यंतर दशा भी उसके अनुकूल था, गोचर में भी ग्रह उसके अनुकूल हैं, सब मिल करके उसे तुरंत सफलता दे देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब भी अवलोकन करें तो सीधा महादशा से ही आप राजयोग का बात न करें, सीधा अंतरदशा से भी न करें, प्रत्यंतर दशा को भी उसमें महत्व दें। तो जितना छोटा करके उत्तर देंगे और जितना छोटे का उत्तर लेंगे वह ज़्यादा अच्छा होगा। जय श्री राधे।